में रहने वाला 4 साल का बच्चा पूरे शहर के लिए हैरानी का विषय बना हुआ है। शक्ति चौरा में रहने वाला सिद्धांत भूतला डीएवी होटको में नर्सरी क्लास में पढ़ता है, लेकिन उसे 100 तक के पहाड़े मुजुबानी याद हैं। सिद्धांत के स्कूल टीचर इस प्रतिभा से हैरान हैं, वहीं माता पिता इसे कुदरत का करिश्मा बताते हैं। 4 साल और 3 महीने की उम्र में जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाते, ऐसे में सिद्धांत ने अपनी प्रतिभा के दम पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। टेबल कितने तक आता है? 85 तक टेबल आता है। और आपको वो कितना तक आता है गिनती? 155 रिवर्स भी आता है आपको? हाँ। रिवर्स बोलो थोड़ा सा पहले। 191 बोलो ना। ये जहाँ भी जाता है केवल उसको नंबर दिखते हैं। अच्छा। उसके बाद इसने धीरे धीरे चालू करते गया, मैंने सब बच्चों से एकदम अलग निकलते गए। इसको उल्टे नंबर्स आते हैं, उल्टे अल्फाबेट्स आते हैं, सब चीज मैंने नंबर्स, इसको बहुत ही पसंद है। जब जनरली आजकल बच्चे YouTube तो देखते ही है, तो उसको पता चला कि 3 का टेबल भी होता है, 4 का भी होता है, तो धीरे धीरे वो पहले YouTube देख देख के मतलब लर्न करता था, फिर खुद ने ही बोला कि मम्मा लिख के दो करके, तो फिर जब लिख के दिया तो फिर हो गया। फिर मतलब हमको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, बस उसको राइट डाउन करके दो, वो खुद से लर्न कर ले। तो दुर्ग की ये तस्वीरें एक खबर आपको बता रहे हैं। 4 साल 3 महीने का बच्चा है जिसकी और अधिक जानकारी के लिए चंद्रकांत देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, वाकई हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसे निखारने की और आगे लाकर की रखने की बहुत जरूरत है कि वो आगे और ज्यादा बढ़ सके। अरे तो निश्चित तौर पर आपने जो कहा टैलेंट की कमी नहीं है, और हर बच्चा जो है अपने आप में एक टैलेंट लेके पैदा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई समझ पाए। लेकिन बात अगर सिद्धांत की जाए या किस तरह के वंडर बॉय की जाए, तो कहीं ना कहीं उनमें एक बचपन से एक जिज्ञासा होती है, वो लगातार उन चीजों के पीछे पड़े होते हैं और खेल खेल में सारी चीजों को, ऐसी चीजों को कर जाते हैं जिनसे जो करने से बड़े बड़े जो है वो कर नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जो है निश्चित तौर पर कुदरत की देन मानी जा सकती है, एक वरदान समझा जा सकता है। और जैसे कि सिद्धांत की बात की जाए तो वो उसको लगातार नंबरों से प्यार है, नंबर गाड़ियों के नंबरों के पीछे पड़ जाता है, खेल खेल में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं या चीजों को नंबरों के तौर पर देखता है, तो लगातार उसके नंबरों का जो इंटरेस्ट है उसको देखते हुए उसके माता पिता ने जो है उनको जो टेबल और ये सारी चीजें सिखानी शुरू की। तो सिद्धार्थ ने एक के बाद एक जो सीढ़ियां वो तय करने की शुरुआत की, और अब वो लगातार 85 तक के जो टेबल्स है वो आसानी से बोल पाता है। जहाँ जो पढ़ाने वाले शिक्षक है वो भी जो सिद्धांत को शिक्षक वो देख के हैरान है, क्योंकि उनके शिक्षकों को भी वो चीजें जो सिद्धांत कर रहे हैं वो कंठस्थ है नहीं। तो निश्चित तौर पर इसको एक उपलब्धि मानी जा सकती है, कुदरत का करिश्मा कहा जा सकता है, या तो फिर उस बच्चे की का जो अट्रैक्शन है, उसकी जो मेहनत है, उसका जो टैलेंट है, ये सारी चीजें मानी जा सकती है। और उसके परिवार माँ बाप जो है वो लगातार उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं और उनको किसी तरह का कोई प्रेशर भी नहीं देना चाहते कि सिद्धांत जो भी बनना चाहता हो लाइफ में वो करे, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है उसके माँ बाप की रुचि जो होती है वो खुद से ही आती है, जबरदस्ती बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता। और जिस तरह से आपने बताया गाड़ी के नंबर देखता है, यूट्यूब जैसे कि उसकी मम्मा भी कहती हुई नजर आई अभी बाइट में, कि वो खुद से आगे बढ़कर बार बार चीजें सीखना चाहता है और बोलता है कि मुझे बताओ, तो रुचि होना भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी को साझा करने के लिए। अलीराजपुर में आदिवासी